कहना चाहोगे Zee5 और Hott Studion दोनों आज कोलैबोरेट होने वाले हैं? See, I think firstly तो obviously congratulations to Zee5 and Hott Studios both of them because आज के ज़माने में जहाँ पे digital media, digital world इतना strong हो गया है, वहाँ पे something like this I think is a great idea and a great collaboration for both of them. I'm very happy for Karanveer, you know, and the team. Wishing them good luck. Look at him, the rock star here. So congratulations to him as well and the team of Hott Studios and Zee5. So, क्या है? What is it? क्या कहना चाहूँगा? स्वेस के बारे में? कब काम दे रहे मुझे? यार मैं बरखा की वेट कर रहा हूँ. She's just on her way. उसका पैकअप अभी हुआ है. उसने बोला स्टार्ट मत करना. मैं आ रही हूँ. So we're around together. She's my silent partner. Silent इसलिए क्योंकि she silences me. So and where is your silent partner? On the way. On the way. So Keesh भी आ रही है. बहुत पार्टी करने वाले हैं हम. Just stick around. And we'll tell you about Hott and Zee. क्या होने वाला है और क्या हो रहा है. और भाई तो आए ही हैं. गाना सुन लोगों इससे अच्छा. अरे बहुत राना भी गाने रात में. फोटो तो खिंचा दे यार. बोल दिया उन्होंने, मैंने सुना. आप कीजिए. अभिषेक को भेजिएगा. मैं अभिषेक के नाम से कभी कभी जाना जाता हूँ जी. पहले क्वेश्चन तो मेरे नाम से पूछ लीजिए. करण सिंपल है, बहुत सिंपल नाम है. जी. मैं ऑफकोर्स मेरा दोस्त है करणवीर मेहरा और उसने ये इनिशिएटिव लिया है और वो बहुत ही पैशनेट एक्टर है, बहुत ही इन्वॉल्व्ड एक आर्टिस्ट है. तो वो अगर इतनी बड़ी कोलैबोरेशन कर रहा है, अपने स्टूडियो को, अपने शो को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऑफकोर्स खुशी होती है. एंड माय बेस्ट विशेस टू हिम. मैं ज़्यादा पार्टी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी निकल जाता हूँ. तो मैं पार्टी इसी तरह इन्जॉय करता हूँ कि जब मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं तो मैं आता ज़रूर हूँ, और जब तक वो बोलते हैं मैं वेट करने की कोशिश करता हूँ. हाँ बोलिए. Zee5 दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी. तो आप कभी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना पसंद करोगे? बिल्कुल, इनके लिए एक और, ये दोनों नए हैं. कोई बात नहीं. मैं YouTube पे एक शो करता हूँ जिसका नाम है शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग, और मैं पिछले एक साल से वो शो कर रहा हूँ. और पिछले साल मैंने व्यू करके एक चैनल है जिसपे स्पॉटलाइट 2 विक्रम भट्ट के साथ किया था. इन्फॉर्मेशन फॉर यू, नो प्रॉब्लम. जी मैं कहीं कैंपिंग चला जाऊंगा या ट्रैकिंग करने किसी जंगल में चला जाऊंगा फॉर श्योर. जी मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सृष्टि रोड, जो बिग बॉस में थी और अभी बाहर आ गई हैं. तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि उन्हें बहुत मज़ा आया, और उन्होंने जब भी कहा मैंने उनके लिए ट्वीट और मैसेजेस किए, क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था. तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बाहर निकल गई. मैसेज यही देखना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ Hott Studio और Zee5 को बहुत बहुत प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करते हैं कीजिए, और आप याद रखिएगा मैंने क्या किया है. थैंक यू. आई थिंक इट्स वेरी गुड. मेरे बहुत जिगरी, मेरा बहुत पुराना दोस्त करण मेहरा, जो आज रणवीर सिंह मतलब वो लिहाज में आया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम इन बरखा. उसने बहुत मेहनत से कुछ छोटी सी चीज़ शुरू की थी और आज वो बड़ी बनते बनते स्नोबॉल होके यहाँ पे Zee5 के पास पहुँची है. सो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू हिज हार्ड वर्क एंड द टीम्स हार्ड वर्क, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म फॉर देम. आई एम एन एक्टर हु डज टीवी फिल्म्स एंड कमर्शियल्स, और बस थिएटर नहीं करता, करना चाहिए, बट स्कूल कॉलेज में बहुत किया. बट आई एम ओपन टू एनी थिंग. मैंने डिजिटल में अपना पहला फोरे रिसेंटली लिया था एक रिपब्लिक टीवी के शो के साथ, जहाँ पे मैं लोगों के घरों में जाके उनके साथ सवाल जवाब करता था. उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आई थिंक Season 2 है, लेकिन आप में से कोई भी मुझे पकड़ना चाहे पहले, आई एम टोटली ऑन. सो प्लीज़ लेट टेल योर टीम्स इफ दे वॉन्ट अनदर एंकर, सो आई एम अवेलेबल. जहाँ तक टीवी की बात है, यह है मोहब्बतें 3 साल किया, इट वॉज अ वेरी गुड रन.
and I'm looking forward to something else. Films chalti rehti hain. But yeah, I think abhi jo web mein zone chal raha hai Netflix aur Amazon ke saath, mera personal chaha yehi hogi ki I hope an actor of my caliber can get work there and get something really good. Ashri idea is trending. I think that's great. I mean, they have like, I don't know how many millions of views, and I think jo hamari educated middle class hai, they really, really relate to the issues of Meera and all that they do. Main itna nahi dekhta unless mujhe Pooja force karke dikhati hai. But I think the audiences love it because unko feedback hi itna positive aata hai. TV na dekhun. Baithi apni family ke saath baithi, dekhiye bahar bahut traffic hota hai aur aap apni pehle saal ki pehli raat daru peeke throw up karke aur baki bevkoof cheeze karke jiska kuch fayda nahi hai. और सबसे ज़्यादा आप हिंदुस्तान या आई थिंक दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप अगर पार्टी करना चाहते हैं तो 4 घंटे पहले निकल जाना. उसके बाद क्या होगा आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ट्रैफिक अवॉइड करना चाहता हूँ. मैं पूरी ज़िंदगी ट्रैफिक में बिताता हूँ यहाँ पे शहर में. सो मेरा यही है कि भाई ट्रैफिक अवॉइड करो. सो सिट एट होम एंड बी विद योर फैमिली, बी विद योर लव्ड वंस, कॉल योर नियर एंड डियर वंस, हैव अ ग्रेट टाइम, और मे बी जस्ट सिट एंड टॉक अबाउट not partying on doing something creative and constructive or achieving your goals. I don't know, as I said, I'm different, so I will stop my advice here. I don't think anybody's going to buy it. Okay, lastly, message to your fans. Thank you so much for all the love. Abhi halai ye hai mohabbat ne 5 saal complete kiye, remix ne 14 saal complete kiye, we the serial ne koi 4 saal complete kiye, aur mujhe sabke fans ke messages aate rehte hain. I really want to say aapne mujhe itna pyar diya and you keep giving it. And aap log poochte rehte jaldi aao TV show pe, but I've always done good work and I'll always be back with good work. You'll never see me in semi half hearted aise kaam karte hue. So just let's hope, or better still, all the fans know me as a photographer, maybe a travel show. Pray that I get a travel show, and all the love that you give me, I can give it back to you with the places I discover. Thank you so much. All the best, Mehra. All the best. I love you a lot, brother. Hello, so just to start off, which is the camera we talking to? All of center them. Wala lelu? Yeah. Okay, hi, thank you for being here, and I will take this opportunity to thank Barkha, who's my silent partner. Silent isliye because mereko silent kar deti hai. And also want to thank Reflection, who's the hospitality and location partner. The owners must be here. And most of all, Zee, who's helped us make our platform bigger. So the Zee team is here. Please introduce Jayesh and Jay, they'll also talk about it. तो उनको भी questions पूछना आप. और बहुत मजा आ रहा है Zee के साथ collaborate करके वापस Zee जाकर, because right after Pavitra Rishta, I think I've fallen back to Zee Digital. तो I'm hoping for a smoother and a much more successful journey than Pavitra Rishta also. So open to you all, शुरू हो जाओ. बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं. मैं जयेश से स्टार्ट करूँगा. जयेश, यू स्टार्ट ऑफ समथिंग विद समथिंग अबाउट Zee5 फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ जयेश, स्टार्ट करो. ऑलराइट, सो आई एम सो फार आप लोगों को Zee5 एज अ ब्रांड नेम पता ही होगा. फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड सो फार इन 8 मंथ्स. वी हैव काइंड ऑफ टच वुड बिकम द नंबर 2 प्लेयर इन द गेम. नए में अलॉन्ग विद द ओरिजिनल्स फिल्म और जो हम नेटवर्क कॉन्टेंट करते हैं, वी आर सो ग्लैड टू come across content which, you know, people like Karan who are creating, which is going to be such an addition and a refreshing factor on the platform that we already have. We look forward to pushing the content on our platform to a significant level. This is a great start to it, and hope we extend the partnership to season by season and whatever new concepts that these guys bring on. So that's what with our future aim is, along with our existing content which we would like to keep on growing in terms of our films, our originals, network content and a lot more. Yeah, luckily they are a bigger platform, and the kind of audience that we want to reach to, they'll help us reach that. तो बस दो जो होते हैं ना, जिसे कहते हैं कि मेरे को फीलिंग यही वाली आ रही है कि कुंडली के सारे गुण मिल चुके हैं और अब हम साथ में जुड़ चुके हैं.
So I'm sure both of us, Zee, of course, being a very big platform, and of course, we, Barkha and me both are thankful. Are you serious? Come in. No, I think the only message we want to give our fans is, it's a great step forward for us at Hott Studios, because when we started, we had no idea कहाँ तक जाएगा कैसे होगा but all Karan's vision I think जो Hott Studios has become so popular and now that we are collaborating with Zee5 of course it हमारा मतलब वो 10 गुना बढ़ जाता है so we're very excited about that and we're glad that you know there are digital platforms who are appreciating content like ours and honestly हमारा content बहुत simple है सब जानते हैं husband wife is like the most simply complicated relationship jo hai aaj ke zamane mein but I think we managed to do a great job of it we are great husband wife so nahi ladte hum jaise dikhate hain so yeah so we just want to tell our fans that please give us all the love that you all have given us so far support us and help us grow along with Zee5 because we're going to get some great content on board same message subscribe to Hott Studios and of course subscribe to Zee5 and be a part of this big family which is growing every day Zee5, Hot, of course. Zee is like my family. My first show was on Zee. I'm doing one more new show for Ant TV. Again, it's a Zee sister concern. So, बहुत पुराना रिश्ता है. And if I talk about reflection जिस दिन से शुरू हुआ था, एक अजीब सा connectivity हो गई. I came here for the first day to see the location and I shot my video here. तो मुझे ऐसा लगता है मैं रोज यहीं रहती हूँ. So, reflection and me, we have a lot of karmic connection. So I wish all the partners, Javed Bhai and everyone, all the best. And this place is very nice. The three floor, the area is nice. So मुझे बड़ा अच्छा लगता है. Yes, now it's just the beginning, and I'm sure this place will do good. Digital platform is the future. टीवी ने आके फिल्म को थोड़ा ठंडा कर दिया. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आके टीवी को थोड़ा ठंडा कर दिया है. सो एवरीबॉडी इज मूविंग देयर. किसी को टीवी देखना है तो मेरे घर में टीवी नहीं चलता. एवरीबॉडी ऑन द फोन और लैपटॉप और थिंग. सो या दैट्स अ फ्यूचर. इट्स अ न्यू जनरेशन. सो ऑल द बेस्ट एंड आई वुड लव टू वर्क ऑन ऑल दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वेब सीरीज एवरीथिंग. एक्चुअली फॉलो नहीं कर रही. टू मेनी थिंग्स हैपनिंग तो टाइम नहीं मिलता. बट यस, जब अनूप जी आए थे, अनूप जलोटा जी इज़ फैमिली फ्रेंड. जब मैं छोटी थी तब से मैं उनको जानती थी. तो जब अनूप जी ने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आई एम लाइक आप क्या करोगे. ही सच अ नाइस एंड सिंपल पर्सन. बट उन्होंने तो धमाल मचा दिया वहाँ पर. तो जब तक वो थी तो थोड़ा इंटरेस्ट था. उसके बाद आई हैव नो आइडिया क्या हो रहा है वहाँ पर. यही कहूँगी थैंक यू वेरी मच. एंड या बहुत लोग मुझे बोलते थे व्हेन डू वी सी यू ऑन टीवी, व्हेन डू वी डू दिस थिंग. माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो क्या हुआ तेरा वादा वाज हिट एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. सेकंड सॉन्ग आई हैव शॉट इन रिफ्लेक्शन ओनली. सो एंड दिस इज़ अ वेरी किक एस डांसिंग नंबर. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि उससे भी अच्छा हो. एंड माई न्यू शो कमिंग ऑन एंड टीवी. सो यू गाइज कीप वॉचिंग. यू विल सी मी एवरीवेयर नाउ. थैंक यू. हाँ भाई, क्या हुआ भाई? वेल, यही कहना चाहूँगी कि अभी तक अलग अलग वो लोग अच्छे शोज़ बना रहे थे. अब हमें साथ मिलकर उनके बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग शोज़ देखने मिलेंगे. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन एंड दे शुड हैव डन दिस लाइक लॉन्ग बैक.
पार्टी से ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि करण मेहरा कोलैबोरेशन बनाने में बहुत फास्ट है एंड ही मेक्स गुड कोलैबोरेशन विद एवरीवन एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया टू डू दिस कोलैबोरेटिंग विद Zee5. ही इज़ डूइंग सम वेरी गुड वर्क इन हॉट स्टूडियो एंड आई एम श्योर कोलैबोरेशन मिलकर आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट बिगर एंड बेटर एंड धमाल तो मचाएंगे, जहाँ मेहरा होगा वहाँ धमाल तो होना ही है. Opposite each other? No. Yeah. No, but yeah, we would love actually. To. I would love to. I don't know about him because abhi to bhai sab producer hai and all that, so you know, you never know. But yeah, I would love to because I think digital is really, really big and कुछ वेब शोज जो मैंने देखे हैं ऑल्ट पे एंड इनके भी जो मैंने देखे हैं, मतलब दे आर रियली सो गुड एंड सो एंटरटेनिंग एंड ऐसा लगता है कि यार अच्छा काम कर रहे हैं. तो यू नो आई वुड लव टू डू समथिंग. अंकेश्वर इज ऑलरेडी अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर राइट नाउ, यू नो, एंड शी इज डूइंग सो मेनी ब्रांड्स. सो वेरी सून आई थिंक शी इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, आई एम श्योर अबाउट दैट. वेल वूट पे हाँ कैसी है यारियाँ हमने किया था, सो दैट वॉज ऑलरेडी अ शो ऑन MTV जो दो साल बाद दे सेड कि चलो वूट पे बनाते हैं और वो ऐसे ही चलो में बन गया और वो बहुत बड़ा हिट हो गया ऑन वूट. सो दे वॉन्टेड टू मेक अनदर सीजन बट आई थिंक देन पार्थ गॉट बिजी डूइंग कसौटी तो वो नहीं हो पाया. बट आई एम जस्ट होपिंग कि पार्थ थोड़े बहुत डेट्स हमें दे दें तो हम शायद सीजन 4 भी बना लें. बिल्कुल फॉलो नहीं किया, बिल्कुल ही बकवास शो था इस बार का, बिल्कुल मज़ा नहीं आया. आई थिंक बिग बॉस शुड जस्ट शट आफ्टर दिस. मतलब मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ. ही लव्स इट. नहीं मतलब बिग बॉस की सारी कहानियाँ मैं इससे ही सुनता हूँ तो इस बार ये ना देख रही है ना मेरे को कहानी सुनने को मिल रही है. सो बट यार सल्लू भाई है तो बस उनके लिए थोड़ा बहुत वी सी इट फॉर हिम समटाइम. We are going to Bali. नहीं बता रहा. ओह नहीं बता रहा. Sorry. So हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं यार. फ्रेंड गैंग जो हर साल कहीं ना कहीं प्लान करता है, साल हम लोग सब बाली जा रहे हैं. And yeah, good 5-6 days, good fun. Yeah, good fun. Okay, so New Year आ रहा है, फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे New Year के बाद? Happy New Year, fans. Yeah, well, Happy New Year. हमारा काम देखते रहिए, हम आपको entertain करते रहेंगे, and that's it. So have a great and safe New Year. Yeah, have a fantastic New Year, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर करण एंड फॉर बरखा. कपल ऑफ मिस्टेक्स में बहुत ही बड़ा ये कोलैबोरेशन हो रहा है एंड आई रियली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. आई थिंक आजकल के टाइम में डिजिटल इज़ द बेस्ट मीडिया. ऑब्वियसली हम सबके हाथ में फ़ोन्स रहते हैं और हम सब फ़ोन्स पे ही सब देखते रहते हैं, सो नथिंग बेटर देन डिजिटल मीडिया एनीमोर. क्या मैं सबको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हॉट 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 देखते रहिए एंड कीप रॉकिंग. थैंक यू. Just for come into your life. He's coming. They just asked you about what studio. She is a part of what studio we've done an episode together. Yep.
क्या? I am very excited for Zee5 and Hott Studios. I think it's a great platform and a newer version of storytelling, and absolutely no inhibitions intact. So, like we say, publish content, create content, and amplify content, and this is what's happening. So, I'm very happy for the amalgamation and many more to come. So the digital platform is coming up in a big way, right? So there's a lot of storytelling and different kind of storytelling, so which you can't experience in TV, you can experience in digital. So may it be 5 to 7 minutes, may it be 15 minutes, different kinds of stories are there. So I'm very happy about that. Yeah. Okay, lastly, any message to viewers? Yes, keep surfing. Thank you. Thank you so much. Hi, how are you? क्या हाल चाल है? So yeah, there is Barkha. Listen, I'm his sister. I'm his Didi. First time he called me Didi. So I don't know if all of you all remember, but me and Barkha have worked together. Over 12 years back. Yes. 12 years back. Yes. Toli Sajake. There used to be a show on Sahara Man. So she was my sister and I was her brother in the show. मैं तब से दीदी बोलता हूँ इनको. My best wishes with Barkha, with Karan, and I hope the venture does really, really well for both Zee5 and for Hott. Jamin, देख लीजिए आप Saturday Sunday. Sorry. There's Jamin Saturday Sunday on Sony, so you can watch it. Okay. Yeah. Interesting things you'll get to know soon. न्यू ईयर पे पिछले कई सालों से तो हम लोग कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, और इस साल भी चांसेस यही हैं. सरगुन शूट कर रही है पंजाब में, तो आई डोंट हैव एनी रीजन टू पार्टी हियर. सो देयर इज अ फेयर चांस दैट यू नो यू हैव दीज अ लॉट ऑफ दीज इवेंट्स ऑन द न्यू ईयर डे. सो इफ आई डोंट हैव दैट देन आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली टू माय पेरेंट्स एंड आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर देयर. इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. आई हैव बीन सैंपलिंग सो मच कंटेंट देयर. And everything from Sacred Games to Mirzapur, and so much of shitty ideas trending, you know, of which Karan is also a part. So I've been sampling everything from short films to web series, and I think it's an amazing market. Amazing. Okay, except this controversial show, I'm not watching it. Not watching it. Okay, last wishes to your fans. It's the festive season. I think a festive season is a good opportunity for you to get together with your family and spend some quality time with them. So don't miss the opportunity. Obviously enjoy with your friends, but also give your family some quality time. Thank you so much. Merry Christmas, Happy New Year. Which camera are we starting? Yahi pe na? Yeah. Rudra and Harshvardhan. They'll talk about the place. They've been generous enough to be hospitality and location partners. And of course, my very dear friend Sahil, who's here to enjoy the place. He'll talk about kisko kaisi lagi jagah. It's a brand new place. Matlab bolte virgin jagah hai bhi. And it's open to all from tomorrow. It has 3 floors. Aur uske baare mein Rudra and Harsh will tell you right now. Okay, so we have a banquet cum club downstairs in the basement area. Ground floor is more like a proper casual fine dine. The outside area is pet friendly. Like Andheri itself has a lot of people who really love pets. That's it. Got a special pet menu for everyone over here. They can get their cats, dogs, anyone. We are catering to everyone. Bar is completely on the first floor, and this is going to be the first quarter pillar bar in Andheri West. I think apart from that, Harsh, please go ahead. Now I would stretch it forward. Now everyone would have in mind that why we have kept this name Reflection. As we go forward in this section, is like every human being has dual shade, right? That's positive and negative. That's what the reflection comes in. Our property would cater to every kind of mood zones, and the 4 different levels in the property cater the different kind of mood zones.
So we have a banquet club, we have a lounge, we have a casual dining area, then alfresco area is the area which is much more of a chilled out area where people can come down, sit, leisure, coffee, tea, whatever you want. So that's what the USP of our property is. It's for all, it's for mass. You can come down, have, enjoy your drinks, you can come down, have coffee, whatever, and everything has been served over here. Thank you so much. Expectations ye hai ki we will bang on the market, that's for sure. And we are accepting everyone, good people, nice people, which our property identifies and our property is growing through. Mere bare baat kar rahe hain. Matlab ishara meri taraf hai, samajh jao. Good people, nice people. That's what he came in the picture form. So to all the Hot Studio and Zee5 fans, you guys have to come here and experience this place. Jitna bhi bolne hai, bolne se kuch samajh nahi aayega. But once you come here, and of course, aapne khana to try kiya hi hai. Sabko piche camera ke pooch raha hu main. Kitna tasty hai. Khana try kara diya na? Haan, try to kara hi diya hai. Khaya hai na? To wo sab taste karne ke baad hi pata lega. They can keep explaining the delicacies. But unless until you try and have something, you won't really feel the experience. So best of luck. Thank you, Reflection, for being a partner. Thanks, man. Thank you so much. Sure. Thanks, buddy. Sahil, bhai, aa jao. Yeah. Abhi, lekin bahut kuch saath mein kaam karne wale hain. Zee5 is here and other teams. To socha hua hai ki kuch saath mein dhamal karne wale hain. He's a very good writer as well. Aur Sahil has been with me on Hot Studios. But inka bhi ek series shuru ho rahi hai. Kithe hain? Bahut jaldi. Appa chal le. Appa kithe chal le. So you can ask something to them as well. अप्पा किथे चले. सो इट्स अ पंजाबी थिंग कि हम कहाँ चले. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. इट्स अ वो बहुत छोटे छोटा अभी हमने स्टार्ट करा था इंस्टा पे. इट्स इट्स डूइंग गुड बट लेट्स सी. एंड हम मेन तो बात करेंगे इसके द कपल ऑफ मिस्टेक्स एंड कपल ऑफ लिटिल मिस्टेक्स. मैंने करण के साथ काम करा. सो आई बिफोर वर्किंग विद हिम आई नेवर न्यू हिम. आई नेवर हैड अ वर्ड विद हिम. बट जब मैंने काम करना स्टार्ट करा आई स्वेयर मज़ा आ गया. मतलब ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. And I really, really enjoyed it because my director was here. So, this was a good thing. He is with Elvira. Yeah, yeah, he was the director. Oh, I know that he is. Inki vodka ko ready hai. So, he's a very good director also, apart from being a very good actor. So, yeah. Inka pyar bole ja raha hai aur ye bulaya ja rahe hai. And, aur kuch, Ravi se puchho. Sneak peek नहीं है अभी अभी बात हुई है. 1-2-3 कर दे. No, but right now the it's Karan's day, it's Barkha's day, it's Hot's day, and yeah. It's Zee5's day. So I just hope the collaboration works very, very well for all of them, and a lot of value, a lot of fortune comes everybody's way, and that's what we are working for, you know. So thank you, man. My best wishes all. Thank you so much. Thank you. God bless. अब्बा कितने चले? अब्बा कितने चले? अब्बा कितने चले? चलो ये अब्बा को पकड़ो मंदिर हो क्या रे? आ थोड़ा इंटरव्यूज दो. So he's a part of me in Appa Kithe Chale. So hum dono ka wo start hai. So hum dono ne start kara tha. And it's doing pretty well. He's what? Deepak Kalra. Hi guys. So agar aap kuch puchna iska style ya kuch. Aaja real to bhi aaja. So ha bata kaisa hai yaar Appa Kithe Chale yaar. Bahut hi ye na daily jo life mein cheeze hoti hai na us pe ek ek minute ka take hota hai. Matlab jaise ki hum log kahin pe ghumne jaate hain to hum log mall ke andar restricted area mein ghus jaate hain. To hum log puchte hain ki paaji Appa Kithe Chale. या हम लोग मट गए हैं तो मैं से पूछता हूँ अब कितने के लिए कहते हैं मालदीव्स गए हैं क्योंकि बीच है पीछे. तो ये उसके बाद स्लाइस ऑफ लाइफ जो है एक एक मिनट के टेक हैं अब कितने के लिए. और क्योंकि हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं जाते रहते हैं ना जिंदगी में. और वो हैशटैग वंडरलस्ट जो होता है ये उसके ऊपर है इन अ कॉमेडी वे. सो या सो ऐसा कुछ आने वाला है एंड बहुत जल्दी कोलैबोरेशन होने वाली हैं. तो विल सी यू सून. जी सून. मैं सही बताऊँ मैं टीवी नहीं देखता. आई एम रियली सॉरी. मैं टीवी इज अ नेटफ्लिक्स पर्सन. वो भी क्वेश्चन पूछोगे वो भी नहीं आता होगा. नेटफ्लिक्स एंड चिल. अच्छा वो भी नहीं. हां मैं वूड पे नहीं आ रहा हमारा शो. हमारा किस पे? हमारा किस पे शो आ रहा है? इस पे आएगा हमारा. वूड पे नहीं आ रहा. बट बिग बॉस बहुत अच्छा है. और कौन 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 है फाइनल में? फाइनल में कौन कौन है? सो आई थिंक जो मुझे सुनने में आता है बट आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. बट जो मुझे सुनने में आता है आई थिंक श्रीशांत हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग. आई थिंक वो बंदा बड़े कलेश कर रहा है वहां पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत कलेश करता है वो जीतता है. एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड चांस ऑफ इट. थैंक यू. जिस तरह आपने लाइक किया
ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि अगर उनके अभी भी उनके अंदर बहुत सा जोश है तो हम चाहते हैं कि वो इंडिया के लिए जीत मतलब वो दिखता है पैशन उनके अंदर. सो आई वांट सो वी ऑब्वियसली एज अ फैन वी वांट कि वो इंडिया को जिताए और इंडिया में खेलें. जो भी पैशनेट है दे शुड प्ले फॉर इंडिया. एंड अगर उन्होंने जो समझाया आपको सबको अब पता चल गया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो आई थिंक इंडियन टीम शुड गिव हिम अ चांस. साहिल के बारे में Zee5 के बारे में ओके आई हैव वॉच्ड सो मेनी लाइक वेब सीरीज इसमें और आई लाइक दिस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई होप टू वर्क विद देम सून. एंड Zee5 का मैं देख रहा हूँ कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है बहुत अलग आ रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग द कंटेंट ऑफ Zee5 दीस डेज. सो या एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हॉट स्टूडियोज कोलैबोरेट हो गया Zee5 के साथ एंड आई विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट नाउ. या थैंक यू So we both are doing one serial साथ में that is कसौटी जिंदगी के and I love him as my co-actor. So yeah. Vice versa. So we are already working in कसौटी जिंदगी की it's on Star Plus so it's going pretty well and I hope you also like it and बहुत से लोग आते भी रहते हैं शायद हमारे सेट में तो yeah and we need your wishes and thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि हम जब हमें रिस्पांस के बारे में तब पता चलता है जब हम बाहर जाते हैं एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से और हिट हो रहा है. लाइक पहले इनिशियली इट वाज ओके जितना आपने एक्सपेक्ट करा था उतना नहीं था बट नाउ स्लोली एंड स्टेडी इट इज़ विनिंग द रेस. पूरी कास्ट हम एक साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली इट्स गुड टू बी टुगेदर एंड अच्छा है सबके साथ बहुत अच्छा है एंड वी आर एक्चुअली हार्ड वर्किंग. सो बहुत हार्ड वर्किंग है ये इससे बहुत ज़्यादा. हीना खान आई नहीं है एक दिन आई थी हम कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाए अभी आने वाली है आप आए सेट पे और हम बताएंगे क्या है हीना खान बट अभी तक बस यही है हीना खान आने वाली बट शी इज़ अ नाइस लेडी एंड वी वेलकम हर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर. कुछ नहीं करूंगी कहूंगी ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मुझे बहुत पैसे दिए अच्छी अच्छी बातें करने के लिए इसलिए मैं यहाँ आई हूँ शूट करने के बाद वसई में और इन्होंने कहा मैंने ना कहा तो इन्होंने कहा और पैसे देंगे. आप ध्यान से देखिए कितना प्यार होके भी आई हूं पैन डाउन पैन अप करें प्यार होके आई हूं वसई में शूटिंग करने के बाद यहां पे चूज करने के बाद प्लीज से समथिंग नाइस अबाउट हॉट स्टूडियोज. ओके हॉट स्टूडियोज जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत पॉपुलर है ट्रेंडिंग है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि मैंने एक एपिसोड किया जब ये नहीं थी तो मैंने फिलर एपिसोड किया है. हेलो आपकी सीरीज है पूरी आपके नाम की मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स इन आवर सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग विद हर. ओ आर यू द क्लासी मेड ऑफ हॉट स्टूडियोस. आपकी डेट नहीं है आप बिजी नहीं है नहीं तो कमिंग बैक टू हॉट स्टूडियोस जब आई थिंक इनकी जब फर्स्ट मीटिंग थी तब भी मैं वहाँ मौजूद तो इन्होंने मुझे फ्री में चाय पिलाई थी तो मैंने कहा बना दो जो भी बना रहे तो फर्स्ट मीटिंग से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और जिंदगी भर जुड़ी रहूँगी क्योंकि करण के फर्स्ट शो में भी मैं इनके साथ जुड़ी थी और वेल हॉट स्टूडियोज इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन यूट्यूब. और जी के साथ आपने काम किया पहले ZTV में? ZTV में मैंने बहुत सारा तो दिस इज ZTV ओनली सो Zee5 एंड सो या Zee5 इज बेसिकली माय फैमिली क्योंकि वो आई हैव डन सो मेनी शोज विद जी के एक वक्त टैग लग गया था दैट गुलफाम इज अ जी एक्टर सो आई सेड आई एम दी एक्टर मुझे कोई और भी कास्ट कर लो बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद जी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डिड one of my benchmark shows with them betiyan and well being with Zee being with Hott Studios and now Zee and Hott are coming together and I'm okay Zee yeah okay Zee so thank all you thoda kuch aur garam ho ke aate hain thodi der thank you thank you.
कोलैबोरेट जब कोई चीज़ें होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलती है दैट वेरी अनयूजुअल एंड करण इज द पर्सन हुम आई स्टार्टेड माय करियर विद एंड करण इज वेरी स्पेशल पर्सन सो आई बीन प्लीज जो उनकी अभी जो ये सीरीज चल रही है वो मैं ऑन एंड ऑफ देखते रहती हूँ एंड इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस प्लेटफॉर्म टू नो टू मेक अदर पीपल नो अबाउट द सीरीज मोर एंड आई थिंक आप लोग ने देखी है सीरीज नहीं देखी तो देखनी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी फनी एंड इट्स अबाउट टू वन कपल जिनकी लाइफ में डे टू डे रूटीन में ऐसे फनी मोमेंट होते हैं एंड आई एम श्योर सबकी लाइफ में ऐसे होता है आई थिंक मैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही काम करते नजर आऊँगी बहुत जल्द इट्स वेरी ईजी आई थिंक डे टू डे रूटीन में देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दैट इट हैज़ टू बी वेरी हैंडी ऑल्सो नाउ नावडेज इफ आई हैव वर्क विद लॉट ऑफ चैनल इवन दे हैव गॉट एवरीथिंग इफ यू मिस आउट ऑन एनी शोज और पर्टिकुलर सीन्स और मे बी पर्टिकुलर इफ यू फॉलोइंग समवन सो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू कीप इट इन योर हैंड एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू हैव अ चॉइस मैं आऊँगी पर मुझे ना ऐसा कुछ शो अट्रैक्ट कर नहीं रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर अ वेरी गुड सब्जेक्ट बिकॉज आई रियली थोड़ा मैं चूज ही हूँ सो या लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट वो जो वहाँ क्यूटी खड़ा है ना मैं उसके साथ न्यू ईयर मनाऊंगी जिस दिन ऐप आया उसके बाद ना मैं तुरंत बाहर चली गई कुछ इमरजेंसी में सो नाउ आई एम बैक सो या डेफिनेटली बट आई हैव बीन पुटिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट पीपल आर लाइकिंग इट एंड आई एम गोइंग लिटिल स्लो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड लाइक सेड सोशल मीडिया इज वेरी ईजी टू मेक पीपल अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वुड वॉन्ट टू डू दैट या मैं ना बिग बॉस नहीं देखती हूँ मुझे फॉलो भी नहीं कर रही हूँ लाइक आई सेड अर्लियर दैट आई हैव माई फ्यू फ्रेंड्स बट आई एम नॉट फॉलोइंग इट मैं तो ट्रैवल ही काफ़ी कर रही हूँ आई एम ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली फैंस को यही मैसेज दूंगी दैट कीप लविंग अस लाइक दिस एंड प्लीज़ डू वॉच Zee5 पे जो ये हॉट स्टूडियो का नया आई डोंट नो मिस्टेक विद द नेम इट्स व्हाट लिटिल मिस्टेक राइट या आई वाज क्रॉस चेकिंग विद यू प्लीज़ वॉच इट एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी विल लाइक इट